आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, लोहड़ी की लख लख बधाइयों के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा आप सभी का प्राइम टीवी में स्वागत करती हूं। और रुक करते हैं अब 5 मिनट में 25 खबरों की तरफ। मणिपुर के इम्फाल में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिएक्टर पैमाने पर 4.0 मापी गई तीव्रता। प्रधानमंत्री के साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक आज, कोविड-19 स्थितियों पर होगा मंथन। देश में 211 दिन बाद कोरोना के सर्वाधिक एक्टिव केस, 24 घंटे में महाराष्ट्र में 46,723 और मुंबई में 27,261 नए केस मिले। माघ मेला में मकर संक्रांति से पहले फूटा कोरोना बम, पुलिस और पीएसी के 36 जवानों के साथ 38 लोग कोविड-19 पॉजिटिव। इसरो के नए चीफ होंगे रॉकेट वैज्ञानिक एस सोमनाथ, नव नियुक्त अध्यक्ष ने कहा नहीं होगा इसरो का निजीकरण। अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे योगी आदित्यनाथ, दिल्ली में भाजपा की उच्च स्तरीय बैठक में बनी सहमति। काशी विश्वनाथ दरबार की दीवारें होंगी स्वर्ण मंडित, दानदाताओं के प्रस्ताव पर मंदिर प्रशासन कर रहा विचार। छेड़खानी के आरोपी सपा नेता आसिफ अली को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत। पूर्वांचल में मौसम का कहर जारी, कई जिलों में ओलावृष्टि, महाराजगंज में 4 की मौत। डिजिटल मंच पर बढ़ी चुनाव की सरगर्मी, 38% बढ़ी डेटा की खपत। ड्रैगन की हड़प नीति जारी, विवादित तो भूटान सीमा के पास बनाई जा रही इमारतें। पाकिस्तानी मानवाधिकार कार्यकर्ता इदरीस खट्टक को जेल में नहीं दी जा रही वैक्सीन, बेटी ने सोशल मीडिया पर उठाई आवाज। दुनिया भर में कोरोना के मामले में 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी, अफ्रीका को छोड़कर हर जगह हुआ इजाफा। पाकिस्तान में विपक्षी गठबंधन दलों ने इमरान सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, प्रस्तावित विरोधी पार्टियों की होगी अहम बैठक। भूकंप से हिला अलास्का की जमीन, एक के बाद एक कई झटके महसूस किए गए, 6.8 मापी गई तीव्रता। इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट में उस्मान ख्वाजा से ओपनिंग कराएगा ऑस्ट्रेलिया। आईपीएल 2022 के लिए बीसीसीआई के प्लान बी में यूएई नहीं, मेजबानी के लिए 2 देशों का नाम आगे। जयंत यादव और नवदीप सैनी को मिला साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे टीम में मौका। टेस्ट क्रिकेट में भी नो बॉल पर मिले फ्री हिट, दिग्गज पेसर डेल स्टेन का सुझाव। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में पूरा किया खास शतक, कोच राहुल द्रविड़ की लिस्ट में बनाई जगह। संजय लीला भंसाली की बैजू बावरा से दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर हुए एग्जिट, आलिया भट्ट और रणबीर की हुई एंट्री। पहली बार तालाब पर खुलकर बोले नागा चैतन्य, कहा अगर वो खुश है तो मैं खुश हूं। बहन मालविका के कांग्रेस में शामिल होते ही सोनू सूद ने लिया बड़ा फैसला।
शेट्टी पर भड़की तेजस्वी, सलमान खान और मेकर्स पर लगाया उन्हें फेवर करने का आरोप। साइना नेहवाल से माफी मांगने के बाद भी कम नहीं हो रही सिद्धार्थ की मुश्किलें, अब एक्टर के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही, तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।